कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना के खतरे के मद्देनजर नए साल पर लोगों की भीड़ न जुटे, इसलिए ये फैसला किया गया है। कोविड 19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के वास्ते बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त उपाय लागू रहेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोमई ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि राज्य एवं शहर के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं प्रतिबंधों के संबंध में उन्होंने शहर के पुलिस उपायुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है, साथ ही इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बोमई ने संवाददाताओं से कहा कि शहर के MG रोड, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला और इंदिरा नगर समेत अन्य स्थानों पर भीड़ के एकत्र होने की मनाही रहेगी, क्योंकि निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पब और क्लबों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने नव वर्ष के मौके पर पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, DJ कार्यक्रम और ऐसे सभी विशेष आयोजनों पर रोक लगा दी है जहां भीड़ एकत्र होती है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।